हम DIY बटरफ्लाइज बनाएंगे। सो इसके लिए आपको कुछ पेपर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम ओल्ड शादी के जो एंड कार्ड्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे। ये तो सभी के घर में होते हैं, है ना। तो इनका पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप प्लेन पेपर से भी बना रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास थोड़ा सा हार्ड पेपर हो ताकि बटरफ्लाइज अच्छे से बन सके। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर्स के पेपर्स कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, स्केल की हेल्प से। देन फिर हम बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे।